जी नाजरी इस टाइम हम मौजूद हैं सितारा फाउंडेशन के इदारे में और आज इसका अफ्तः हुआ है और हमारे साथ हैं फरहान साहब जो कि एन जी ओ प्लस नेटवर्क से हमारे साथी भी हैं और ये अपना वर्क इनका बड़ा है आ, सोशल वर्क में तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और ये आज मेहमान है सितारा फाउंडेशन के तो इनसे बातचीत करते हैं इनको पूछते हैं कि इनको कैसा लगा यार जी असल सर जी वालेकुम जी इसमें यह ये है कि आज ये सितारा फाउंडेशन का आज जो इनताह है तो जहाँ तक मेरी बात है तो वो ये है कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ़ ब्लाइंड फैसलाबाद से है तो हम जो माशरे के नाबी बच्चे और बच्चियाँ हैं उन पर काम करते हैं उनकी तालीम तरबियत के लिए और उनकी बहाली के लिए और बाद में उनकी आबादकारी के लिए भी जो है वो कोशाँ रहते हैं हम तो ये हमारा एक मख्सा ये तारफ़ है एसोसिएशन का और मेरा भी खुद का अपना भी तो अगर नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है तो मैं उसका आंसर करता हूँ सर आज आप सतारा फाउंडेशन के जो अदारे में आए हैं आज उनका पहला दिन है आपको कैसा लगा यहाँ के और आप क्या महसूस करते हैं कि ये सतारा ने बनाया है उसके बारे में थोड़ा बताइए जी यहाँ पे इस सेंटर में आकर मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ कि यहाँ के लोगों की ये इदारा जो है ये जरूरत थी क्योंकि यहाँ पे कोई इस किस्म का जो ये सेटअप नहीं है से बच्चियों के लिए जो काम करता हो तो बहरहाल ये इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन्होंने जो ये इदारा कायम यहाँ पे किया है और मैं दुआ को भी हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको कामयाब करे और जहाँ तक हमारे तावन की जरूरत हुई तो इनशाला बिल्कुल इनके साथ पूरा पूरा तावन करेंगे इदारे को कामयाब करने में बहुत बहुत शुक्रिया थैंक। जी इस टाइम हमारे साथ मौजूद है अब्दुल वहीद साहब जो कि इस फाउंडेशन के एग्जेक्टिव मेंबर भी हैं और इनके रूहे रुआ भी हैं क्योंकि सारा मैडम के हस्बैंड हैं तो इनके तावन से ये सारा कुछ इस ने बनाया है तो सर कैसा लगा आपको ये करना है अपने वेलफेयर का काम शुरू किया है तो क्या, क्या सोच के आपने ये सारा कुछ बनाया जी बिस्मिल्लाह नहीं असल में ये मेरी मिसिस का प्लान था वो एक्चुअली वेलफेयर का काम करती हैं तो उसी हवाले से ये प्लान इनके जहन में आया उसको मेचोर मैंने किया है इनशाला मुस्तक बच्चे जो हैं उनके मुस्तबिल के लिए ये प्लान सारा किया हमने इनशाला फ्यूचर में यानी कि गरीब बच्चों के लिए भी ये काम आएगा सारा कुछ इन शो तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि यहाँ पे आप क्या क्या सिखा रहे हैं सिलाई सेंटर भी नज़र आ रहा है पॉलर भी है तो क्या क्या आप यहाँ पे बच्चों के स्किल्स के लिए आप सिखाएंगे यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का काम होगा फिर सिलाई का होगा दूसरा का काम होगा यानी कि जो भी काम लेडीज कर सकती हैं, वो सारा इंतजाम इधर किया जाएगा इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू जी इस टाइम हमारे साथ मौजूद है इस तारा आ, इनसे हम बातचीत करेंगे इन्होंने पहले तो इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं इन्होंने हमें बहुत अच्छा वेलकम दिया तो बड़ा खूबसूरत दिल बड़ा खुश हुआ है इनका इदारा देख के बड़ा नफासत से बड़ा डिसिप्लिन से इन्होंने हर चीज़ को आ, किया हुआ है मैनेज तो आइन से बातचीत करते हैं और इनको मुबारकबाद देते हैं कि सितारा आपने बहुत अच्छा काम किया जी असल वैलकुम अल्लाम बहुत शुक्रिया एतबार न्यूज़ और नसीन बुखारी साहबा आपका मुझे अप्रिशिएट करने के लिए बिल्कुल जी हम लोग अरसात रात से काम कर रहे हैं मुख्तलिफ एन जी ओज़ के साथ प्रैक्टिस हुई हुई थी हमारी तो हम मैंने चाहा कि अब हमें इस, इस इलाके में बहुत ज़रूरत है बच्चियों को यहाँ पर कोई बायदा सेंटर नहीं था जहाँ पर बच्चियाँ कोई हैंडमेड सिलाई कढ़ाई और ब्यूटिशन की तरबियत लेके अपने पैरों पर खड़े हो सकें इसी चीज़ को मद नज़र रखते हुए मैंने यहाँ पे ये अदारे का आप सब लोगों की मदद से और अल्लाह के करम से हमने इफ्ताह किया है और यहाँ पे हम बच्चों को ये हैंडीक्राफ्ट्स और ब्यूटिशन की और तरबीत के साथ साथ हम अवेयरनेस सेशन भी देंगे स्टॉप द वायलेंस पे देंगे हम कवानीन के बारे में बताएंगे औरतों के वरासती हकूक़ के बारे में बताएंगे पाकिस्तान में औरतों के क्या हकूक़ हैं और इस्लाम में औरतों के क्या हकूक़ हैं मिनोरिटी की खुवात के क्या हकूक़ हैं हम सब ने मिल के चल रहे हैं और ये कायदेज़म का पाकिस्तान है और ये हमारा पाकिस्तान है इसी बात पर अमल करते हुए हमने ये इदारा बनाया है और आप लोग बच्चियों के लिए हैं और ये बच्चियाँ आएँ और अपने जितनी भी जो भी अवेल करना चाहते हैं यहाँ से अवेल करें हमारी सर्विस सबके लिए है तो इस तरह ये थोड़ा सा एड्रेस बता दीजिएगा कि किस जगह पे है ताकि लोगों को आने में जानने में आसानी हो अब बिल्कुल ये मिले रोड पे ग्रीन टाउन के बिल्कुल अकब में ही है और ये ताकि बच्चिया इजीली आ सके बिल्कुल यहाँ आपको दूर नहीं पड़ेगा रो, रोड के बिल्कुल पास है तो इसमें हमारी सुबह शाम क्लासेस होंगी और जो बच्चियाँ बहुत बिजी हैं वो नहीं आ सकती ऑनलाइन क्लास भी वो ले सकती हैं ताकि वो वीकली फिर अपना विजिट कर लें और रूटीन में अपनी ऑनलाइन क्लास लेके कुछ ना कुछ सीख सकें हमारा मकसद है कि और औरतों को एम्पावर करना तो सारा इस इसमें कोई फीसिस होगी थोड़ी बहुत या आपको फ्री ऑफ कास्ट जो है वो खैर हजरात डोनर्स के तान से या आप सेल्फ के अपने तावन से आप इसको करेंगे ये थोड़ा सा बता देंगे कि लोगों को फिर आने में आपसे कॉन्टेक्ट में आसानी अब बिल्कुल जी मुखेरा हजरात को चाहिए कि बढ़ चढ़ के इसमें इसमें हिस्सा ले अभी तो हम अपनी मदद आपके तहत ही ये इदारा चला रहे हैं बच्चियों से ओवरऑल चीज़ें तकरीबन तो फ्री हैं उसमें कोई ऐसे चार्जेस नहीं लिए जाते ताकि बच्चियाँ अपने पैरों पे खड़ा हो सके अब कुछ चीज़ें वक्त की ज़रूरत होती हैं तो हम आने वाले वक्त में देखेंगे इस इदारे को आगे कैसे चलाना जब स्ट्रेंथ मजीद बढ़ती है फिलहाल तो बच्चियाँ हमारे यहाँ ऐसे ही आ रही जी बहुत बहुत शुक्रिया थी सितारा राना जिन्होंने तफसील से बताया कि अदारा जो हमने बनाया है किस मकसद के लिए बनाया उन्होंने इसमें स्किल सेंटर है एक तरह का विन सेशन है सैलून है और सलाई सेंटर जिस तरह उन्होंने बताया बार बार कि ये सिर्फ एक ऐसा इदारा जिसमें आम बच्चे जो बच्चियाँ हैं वो यहाँ पर स्किल हासिल कर सकती हैं कुछ सीख के माशरे में अपना को मकाम हासिल कर सकती हैं तो मुझे बड़ी खुशी है एज ए फ्रेंड भी ये समझे कि हम सब ने मिलके बनाया बल्कि हम सब ने मिलकर इसको आगे लेके बढ़ना है इस तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू जी हमारे साथ इस टाइम स्टूडेंट मौजूद हैं अभी अदारा जो ओपन ही हुआ है तो माशाल्लाह स्टूडेंट आने शुरू हो गए हैं तो आइए हम कुछ स्टूडेंट से आपकी बात करवाते हैं उनसे पूछते हैं उनको कैसा लग रहा है यहाँ पे एडमिशन लेके और यहाँ पे आके जी सामने जी हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये हमारे पास करीबी इदारा बन नहीं। गया है और हम जैसी काफी लड़कियों को बहुत जरूरत थी और हम मैम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि ये बहुत अच्छा इन्होंने काम किया और बहुत अच्छा अदारा हमारे लिए खोला है, जो जो है, है। असलामेकुम मेरा नाम अक्सर है और दो मैं स्टूडेंट हूँ फर्स्ट ईयर की मैं स्पोर्ट्स करती हूँ और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर मुझे इन्होंने बहुत सारे अदारे मतलब खोले हैं जिसमें पॉलो का सिलाई का बहुत सारे मतलब करते हैं ये स्पोर्ट्स भी कर, करते हैं तो इन्होंने मुझे बताया और मैं अपने कॉलेज के लेवल के भी हिसाब से करती हूँ और मैं अब चाहती हूँ कि मैं इनके यहाँ भी करूँ तो मैं आप ही की बहुत शुक्र गुजार हूँ कि इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया दावत दी और ये हमारे बहुत करीब है लेकिन पहले हमें ढूंढने के लिए सेंटर्स के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था लेकिन अब हमें ये बहुत नजदीक पड़ता है इसलिए हम आप ही के बहुत शुक्र गुजार हैं कि उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया थैंक यू बहुत शुक्रिया जी मेरे साथ हैं अदनान साहब जो कि इस तारा फाउंडेशन के मेंबर भी हैं और बड़ा ये जो सजाया इस तारा ने इनमें बड़ा वर्क किया इन्होंने साथ तो इनसे आइए बातचीत करते हैं इनसे पूछते हैं इनको कैसा लगे जी को जी वाईक सलाम जी बहुत खुशी है जी इस इलाके में जे आप ही आए हैं तो इस इलाके में इस काम की ज़रूरत थी तो इन हम इनके साथ हैं तो बाकी ये काम करें इन इलाके के लिए अच्छी खुश खबरी है तो बाकी जो गल्ला पाक पित्तर का थे के इंशाल्लाह अब चले बहुत शुक्रिया